الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمني رشدي واعذني من شر نفسي. बेसिकली आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ी कॉमन टर्म है. नॉर्मली हर वक्त हमें लाइफ में हर जगह पे हर मौके पे अमूमन सुनने को भी मिलती है, कहीं भी जाती है कि सब्र करो, सब्र बहुत अच्छा होता है, सब्र का फल बहुत मीठा होता है. बहुत सारी गुफ्तगू इस पे आप सुनते रहते हैं, अमूमन जुमले सुनते रहते हैं. लेकिन इस्लाम में और स्पेशली कुरान में अल्लाह सुबहाना व ताला ने ना इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है. और यूँ कह लें कि हमारे ईमान के लिए सब्र का, अगर हम कहें सब्र जो है ईमान का आधा हिस्सा है और पूरे का पूरा जो यकीन है वो पूरे का पूरा ईमान है. और इस तरह से भी अगर मैं कहूँ कि सब्र और शुक्र ये दोनों ईमान के दो बहुत इम्पोर्टेंट दो हिस्से हैं. और अगर हम अपनी लाइफ में कामयाबी चाहते हैं, मुश्किलों में अपने आप को रिटेन रखना चाहते हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमने कामयाबी के सफ़र के लिए हमें सब्र चाहिए, लेकिन बेसिकली सब्र है क्या? सब्र है अपने आप को रोकना. इसका मफहूम जो है सब्र का मफहूम है कि अपने आप को रोकना और डटे रहना किसी ख़ास मकसद के लिए, इस्तकामत के साथ उसके लिए लगे रहना. जी, इट्स नॉट अ यू कैन से कि कोई एक टाइम की फीलिंग या एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. इसको अगर हम दीन के पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर हमारी जो ज़िंदगी है मुसलमानों की जो ज़िंदगी है वो पूरी की पूरी इस लफ्ज़ के गिर्द घूमती है और वही लफ्ज़ सब्र है. तो अगर हम इसकी अहमियत को देखें तो कुरान में अल्लाह सुबहाना व ताला ने जा बजा बहुत सारी जगहों पे सब्र का ज़िक्र किया है. और हम अमूमन एक छोटी सी बात मैं आपसे करूँ कि अगर हमारे पे कोई मुश्किल आती है, कोई तकलीफ़ आती है या हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई हमारा अपना हो, हमारा कोई दोस्त, बहुत ज़्यादा सिंसियर पर्सन. यू नो, हम ये नहीं चाहते कि बहुत सारे जमगट्ठा हमारे इर्द गिर्द हो, बहुत सारे लोग हों. नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा बहुत करीबी जो हमसे मोहब्बत करने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला, हमें हक करके हमारे गम को सुनने वाला कोई हमारे पास हो. हम अपनी तकलीफ़ को, अपनी मुश्किल को उसके सामने पेश करें या वो हमारी आलतों के उसने कुछ करना बाज़फ़ा नहीं भी होता. और समटाइम हमें किसी की ज़रूरत इस सेंस में भी होती है कि हमें जो है कोई सपोर्ट भी करे, किसी काम में हमारी हेल्प भी कर दे. लेकिन मोस्टली एज अ अगर हम देखें तो हम ये चाह रहे होते हैं कि इस तकलीफ़ और मुश्किल के वक्त हमें कोई सहारा देने वाला हो. लेकिन बाज़ औक़ात हमारे सारे सहारे हमें छोड़ के चले जाते हैं. हमारे अपने प्यारे, हमारे दोस्त, हमारे इवन हमारे माँ बाप, चाहते हुए ना चाहते हुए वो हमें छोड़ जाते हैं, हमारी मुश्किलों में हमारे साथ नहीं होते. तो क्या कहने हैं उस बंदे के कि जिसकी मुश्किल में, जिसकी तकलीफ में उसके साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला. अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन. तो फिर किसी और की जरूरत बाकी रह जाती है कि हमारे साथ कोई और भी हो. अगर हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि हमारे पे जो तकलीफ़ है और जो हमारे पे आजमाइश है या हमारे पे जो मुश्किल है या जो भी चैलेंज हम पे है उसमें हमारे साथ अल्लाह सुबहाना व ताला की ज़ात है, हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ होगा. हमारी मदद कौन करेगा? अल्लाह ताला. तो फिर हमें सुकून मिलता है, फिर हमें उस सब्र में हौसला आता है और हमें यकीन आता है कि हमारी वो मुश्किल आसान हो जाएगी. तो इसी तरह अगर हम देखें मोमिन की जो ज़िंदगी है वो पूरी की पूरी, अगर हम हदीस देखें, बुखारी की हदीस है और बड़ी रेलिवेंट है इस पॉइंट से कि अगर हम देखें कि हमारी ज़िंदगी क्या है और कितने चैलेंजेस हैं इसके अंदर. एक दफ़ा अल्लाह सुबहाना व ताला ने जब जन्नत और दोज़ख को बनाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनको कहा कि आप पहले आप जन्नत को देख के आए. उन्होंने देखा कि जन्नत तो बहुत खूबसूरत है और आके अल्लाह सुबहाना व ताला को कहा कि जन्नत इतनी खूबसूरत है, इसमें तो सारे चले जाएंगे, कोई भी नहीं इसमें, सब इसमें चले जाएंगे. और दोज़ख के बारे में कहा कि दोज़ख तो ऐसी है कि कोई शख्स भी दोज़ख में नहीं जाना चाहेगा क्योंकि इतनी तकलीफ़ दे, इतनी आजमाइशों वाली ज़िंदगी और तकलीफ, मतलब
उसकी मिजरेबल कंडीशन होगी दोजख में, कौन जाना चाहेगा दोजख के अंदर, कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने क्या किया कि जन्नत को जो है ना आजमाइशों तकलीफ़ों और मुश्किलात से ढक दिया, और जो दोजख है ना उसको अट्रैक्शंस के साथ, मुख्तलिफ अट्रैक्शन जो इंसान को लुभाती हैं, मुख्तलिफ तरह की हर तरह की चीज़, वो चीज़ जो गुमराही की तरफ उसको बुलाती है, अल्लाह ताला ने ना उससे ढक दिया और कहा कि अब आप जाके देखें। तो जब उन्होंने जन्नत देखी तो उन्होंने कहा अल्लाह इतनी आजमाइशें और इतनी तकलीफ़ें, इसमें तो अब कोई भी नहीं जा सकेगा, अल्लाह अकबर। और दोज़ख का जब हाल देखा तो उन्होंने कहा या अल्लाह इतनी अट्रैक्शन, इतनी शहवात, तो सारे जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह अकबर। तो हमें अल्लाह ताला इस हदीस से जो हमें मफहूम मिल रहा है, जो मेन पॉइंट जो इस सबर से रेलेवेंट बात करनी है, कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात तकलीफ़ें आजमाइशें जो हैं, अल्लाह सुबहाना व ताला ने इनके जो रिज़ल्ट है, जो लोग इस पर सबर कर जाएंगे इनके रिज़ल्ट में उनको जन्नत मिलेगी। जन्नत इतना सस्ता सौदा नहीं है और हमें इसे परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। मोमिन की ज़िंदगी है ना, उसकी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उसकी ज़िंदगी जो सी है दुनिया की ज़िंदगी, मोमिन की ज़िंदगी, वो एक कैद खाने की तरह है। कैद खाने में बंदा कितना तंग होता है, कभी आप आज़ाद पंछी को, किसी पंछी को अगर पिंजरे में डाल दें, वो बेचारा कितना फड़फड़ाता है, कितना उदास हो जाता है। बाहर वो गार्डन में या किसी जंगल में या किसी दरख्त पे बैठते हैं, आप देखते हो कितने चहचहा रहे होते हैं, लेकिन जब वो उसको हम कैद कर देते हैं तो उसकी सिचुएशन क्या होती है। और काफिर के लिए वो तो जन्नत है, अय्याशी का मकाम, वो आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतनी अय्याशियों में और इतनी खूबसूरतियों में इन्वॉल्व कर दिया और वो भूल गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ ईमान नहीं है। मैंने जैसे पहले शुरू में आपको बताया ना कि ईमान का एक हिस्सा, आधा ईमान जो है वो सब्र है। तो सब्र जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी लाइफ में सब्र नहीं होगा, किसी भी एक्सपेक्ट से आप देख लें, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, एजुकेशन में, बिज़नेस में, वट एवर भी, कोई भी काम आप करना चाहते हैं, अगर उसमें सब्र नहीं है, अगर उसमें सब्र नहीं है, उसमें सब्र क्या, बेसिकली सब्र ये है कि किसी भी कामयाबी के लिए और किसी भी ख़ास मकसद के लिए आप कंसिस्टेंसी से, इस्तकामत के साथ उस पर मेहनत करते हैं। ये नहीं कि आपने मिसाल के तौर पे आज एक नेक अमल किया और आप ओवर द नाइट उसका रिवॉर्ड चाह रहे हैं। अल्लाह सुबहानहु ताला की मशीयत है, अल्लाह सुबहानहु ताला किसी को ओवर नाइट भी दे सकता है। अल्लाह सुबहानहु ताला सारी ज़िंदगी लगा दे उसको और उसको सब्र करवाता रहे। शर्त सिर्फ ये है, हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि सब्र जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि सब्र एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, या हमें जो है किसी ख़ास मकसद के लिए तैयार करता है। तो हम अगर किसी ख़ास मकसद के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने जो हमें इस दुनिया में हर तरह के चैलेंजेस हमारे पर आते हैं, किसी के ऊपर माल का चैलेंज है, किसी के ऊपर औलाद का चैलेंज है, किसी के ऊपर बीवी का चैलेंज है, उसकी आजमाइश है, किसी के ऊपर अपनी सेहत की आजमाइश है, इवन कि आपको अपनी लाइफ में, अपने इर्द गिर्द में हर जगह लोगों के साथ आजमाइशें ही नज़र आ रही हैं, तो उनका सब्र के अलावा कोई इलाज नहीं है। अगर हम ये कह लें कि वो आजमाइशें और तकलीफ़ें बग़ैर सब्र के दूर हो जाएंगी हमसे, तो नामुमकिन है। क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला ने कहा कि तुम जो सा है, तुम्हारी जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो तो नमाज और सब्र से, दो चीज़ें अल्लाह ताला ने कहा, उससे मैं तुम्हें निजात दिलाऊंगा, उससे तुम्हारी मदद करूंगा, उससे उस मुश्किल से तुम तब निकलोगे जब तुम नमाज को कायम करोगे और सब्र करोगे। तो दो चीज़ें अल्लाह सुबहाना व ताला ने हमें बताई कि कुरान में, कि आपने अगर किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो आपको उसका जो सलूशन है वो यही कि आपने नमाज को कायम करना है और सब्र करना। तो इसी तरह सब्र के तीन इनाम बहुत, मैं अहमियत के साथ बताऊं कि सब्र के साथ हमें इस चीज़, सब्र कैसे आएगा, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू का पता होता है ना, जब हमें पता है कि इसका अजर क्या है या इसका इनाम क्या मिलना है, मिसाल के तौर पे आप जॉब करते हैं और आपको पता है कि मैं इतनी ईमानदारी से एक काम करूँगा तो मेरा ग्रेड अप हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट होगा, या मेरा मालिक मुझसे खुश होकर मुझे टिप दे देगा, कुछ भी, तो फिर हम उसके लिए मोटिवेट होते हैं। तो सब्र करने के लिए एक बहुत मोटिवेशनल हदीस मेरे नज़र से गुजरी है और मैंने चाहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, कि
एक्चुअली सब्र का जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा है, तो आखिरत में तो है ही है और दुनिया में भी है। कैसे कि अल्लाह सुब्हानहु तआला कहते हैं कि जब मेरे बंदा की कोई तकलीफ़ आती है, बीमारी आती है, तो उसका खून कम होता है, तो मैं उसका खून उसके बदले में उससे बेहतर उसको खून दे देता हूँ। अगर उसकी तकलीफ़ या आजमाइश की वजह से अगर उसकी जान पे कोई कमी आ जाती है, कमज़ोर हो जाए, उमूमन हम देखते हैं कि बीमार होता है बंदा और कमज़ोर हो जाता है, तो अल्लाह ताला कहता है मैं उससे बेहतर गोश्त और बेहतर जान उसको दे देता हूँ। तो आखिरी पॉइंट बड़ी ज़बरदस्त, आखिरी खुशखबरी बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह सुब्हानहु ताला ने कहा, यह हदीस का मफहूम है कि उस शख्स के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक और हदीस में आता है कि वो बंदा बैठा है तो खड़ा होता है तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, लेटा है तो बैठता है तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी कि वो ऐसे हो जाता है कि उस दिन से उसकी नई ज़िंदगी शुरू हुई। आखिरत में तो अल्लाह सुब्हानहु ताला ने अजर रखा ही हुआ है, जन्नत। मैंने जैसे आपको पहली हदीस बताई कि आजमाइशों और तकलीफ़ों का जो रिवॉर्ड है वो अल्लाह सुब्हानहु ताला ने जन्नत रखा हुआ है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहु ताला ने उसका अजर रखा हुआ है, और अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजते हैं। और सबसे बड़ा अजर यही कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इस हदीस से हमें यह पता चलती है कि अगर हम परेशान हैं किसी बीमारी और तकलीफ़ की वजह से कि हमारी जान कमज़ोर हो गई है, तो अमूमन आप देखते होंगे लोग बीमार होते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो सही होते हैं तो उनकी सेहत पहले से भी ज़्यादा बेहतर होती है। शर्त सिर्फ ये, इसके साथ शर्त रख दी ना, इन तीनों बातों के लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि जिस भी उसके साथ जो भी चैलेंज है उसके साथ, उसमें वो सब्र करे, अल्लाह ताला से राज़ी रहे। अल्लाह ताला ने जो उसको जो तकलीफ़ दी है तो उसको अंदाज़ा रहे कि मेरे रब की तरफ से हुक्म है। इंसान से गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, और समटाइम अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ उसकी भी मशीयत होती है, किसी खास रीजनिंग की वजह से उसके ऊपर भी बीमारी आ सकती है। हम अमूमन सब्र वावेला मचा देते हैं, हमारी कोई तकलीफ़ हुई, कोई परेशानी हुई, हमारा कोई अपना प्यारा हमसे दूर चला गया, तो हम साथ ही कंप्लेंस करना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा था, बहुत सारे अल्लाह नाउज़ बिल्लाह मतलब बहुत गलत जुमले हम बोल देते हैं। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये सब्र के खिलाफ बात है। सब्र तो ये है कि आपकी कोई आजमाइश, आपके ऊपर कोई तकलीफ आई है, उस पर आपको यकीन हो कि मेरे रब ने जो किया है वो ही सही किया है, वही उसी ने सही किया है। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ, वो बशरियत के नाते, इंसान होने के नाते कमज़ोर हूँ, गलत सोच रहा हूँ, मेरा रब जो कह रहा है वो सही है। तो इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं इस बात से बताऊँ आपको कि सब्र की जो इकसाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नॉर्मली हमारे तो जहन में जब सब्र का लफ्ज़ आता है तो एक जनरल सा हमारे जहन में बात आती है कि मिसाल के तौर पर कोई बीमार है तो उस पर सब्र करो, किसी को चोरी होगी, किसी का कोई नुकसान हो गया, किसी का कोई अपना प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया, चला गया इस दुनिया से, तो हम नॉर्मली इसी पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि सब्र करो। ये भी एक सब्र की किस्म है, नो डाउट। तकलीफ़ों में, आजमाइशों में, परेशानियों में अल्लाह ताला की रज़ा के साथ राज़ी रहना सब्र है। एक ये टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है। जो दो इम्पोर्टेंट टाइप्स जो नॉर्मली जिनको मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए, और अमूमन हम इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी नहीं करते। दूसरी टाइप तो नेमतों पे सब्र। आप कहेंगे ये कैसी बात, अल्लाह अकबर, नेमत पे सब्र क्या है? नेमत पे सब्र ये कि जब आपको अल्लाह सुबहाना व ताला ने कोई नेमत दी है, आपको बेटा दिया है, आपकी शादी हो रही है, आपको कारोबार दिया है, आपका कोई बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, आपको तरक्की मिल गई है, तो उस पर क्या सब्र? उस पर सब्र ये कि अपनी ज़ात को कंट्रोल में रखें, आपे से बाहर ना हो। नॉर्मली वहाँ पे हमारा सब्र इस पर्सपेक्टिव में समझें कि जब हमें कोई नेमत मिलती है तो हम भूल जाते हैं कि किसने हमें नेमत दी है, और हमें कैसे शादी करनी चाहिए, हमें कैसे गमी को मनाना चाहिए, हमें कैसे हमें बेटा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दिया, इतनी बड़ी नेमत दी, बेटा दिया या बेटी दी, तो हमें उसको अल्लाह के शुक्र के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए ना, ना कि हम उन रास्तों के ऊपर चल पड़ें या उस रास्ते को अडॉप्ट करें जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी। देखते हैं आप अपने माशरे में यही चीज़ें देखते हैं ना, कि जब हमें कोई नेमत मिलती है, मोस्टली मैं आपको कॉमन सी बात बताता हूँ, एक जो नॉर्मल आपके मुशाहदे में भी होंगी और आप लोग देखते होंगे, एक चीज़ जब हमारे घर बेटा होता है
स्पेशली बेटी तो होती है, लेकिन बाज़ लोग उस पर इतना खुश नहीं होते, लेकिन मैं बेटे की मिसाल दे रहा हूँ, खुशी दोनों की होनी चाहिए, दोनों ही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें और रहमतें हैं। तो बहरहाल नॉर्मली जब बेटा होता है तो तब भी हमारे जो खर्चे इसराफ और हमारे जो जो दुनियावी जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हम देखते ही नहीं हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला ने अगर हमें ये नेमत दी है तो हमने इसका शुक्र अदा क्या करना है, उस पर हमें सब्र नहीं हो रहा था। कहते हैं बेटा दिए ना, इतनी बड़ी खुशी दी है, इस पर तो बनता है कि हम जितना मर्जी खर्च करें। ठीक है, फिर शादी भी आप देख लें, शादी भी आप ही देख लें कि आप इस वक्त तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह हमारे हमें अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए कि जिस तरीके से हमने अल्लाह की इस इतनी खूबसूरत नेमत को कि जिसमें मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हो रहा होता है और इतनी अल्लाह ताला को पसंद है ये सुन्नत, उस सुन्नत में हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी को अपनाया हुआ है। और कम नाफरमानी नहीं, एक तो एक हद इसराफ, फिर उसमें रियाकारी, फिर उसमें मतलब कौन कौन सा गुनाह ऐसा नहीं है जो आजकल हमारी शादियों में हम देख नहीं सक रहे। तो जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताया कि नेमतों पे अल्लाह का शुक्र, और सॉरी नेमतों पे अल्लाह सब्र करना। अच्छा, एक और चीज़ भी नेमतों पे सब्र क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला जब हमें नेमतें देता है तो उसके साथ हमें टेस्ट किया जाता है, हर नेमत के साथ एक टेस्ट होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, इसको आपने जहन में रखना है कि जब अल्लाह ताला हमें कोई नेमत देता है ना तो उसके साथ आजमाइश होती है, टेस्ट होता है ना। ये नहीं कि अल्लाह ताला से हमें दोबारा लेना चाहता है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है, तुम्हारे लिए तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा हसब नसब, तुम्हारी जो भी पर्सनैलिटी है, इस ये सारी चीज़ें आजमाइश हैं। अंबिया इकराम को भी दी ये सारी चीज़ें, लेकिन साथ उनका भी टेस्ट हुआ। अल्लाह ताला ने जगह जगह अंबिया इकराम की मिसाल दी। मिसाल देता हूँ आपको कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा दिया, ले लिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा दिया, उनको भी कितने अरसे 100 साल के करीब तकरीबन उनकी एज थी और उनको बेटा दिया, नेमत दी ना, तो उसके साथ अल्लाह ताला ने टेस्ट कैसा रख दिया, किसको ज़िबह कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी कि अल्लाह सुबहाना ताला का एक ये भी असूल है और अल्लाह ताला हमें ये भी बता रहे हैं कि जो नेमतें आपको दी जा रही हैं उनके साथ तुम्हें ना आजमाया भी जाएगा, औलाद जो दी जा रही है उसके साथ तुम्हें आजमाया भी जाएगा। औलाद की तरबियत करना, उसको अच्छे बुरे से के बारे में बताना। अब औलाद है, आप उसको कह रहे हैं मिसाल के तौर पे बेटा नमाज़ पढ़ने जाओ, वो नहीं जा रहा। आपको पता है नमाज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चा नहीं जा रहा, तो आजमाइश है। ठीक है, माल है, आपको अल्लाह सुबहाना ताला ने माल दिया हुआ है, नेमत दी हुई है, आप उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं? आप गरीबों की मदद के लिए खर्च कर रहे हैं, यतीमों की कफालत कर रहे हैं, या अल्लाह के दीन को समझने के लिए, अल्लाह के दीन के रास्ते में कहीं खर्च कर रहे हैं? नहीं, माल आपको दिया हुआ है और आप माल को जो है वो खर्च कर रहे हैं बिल्कुल अब इसराफ में, और अपनी जो आपकी अपनी पर्सनल जो आपका दिल चाहता है, मन चाही चीज़ के ऊपर आप माल खर्च हैं। तो बेसिकली दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस ये नहीं कि अल्लाह की नेमतों को मांगना नहीं चाहिए, उनके साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि नेमतों के साथ भी एक टेस्ट है और सब्र का, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि जो आपको मैंने नेमतें दी हैं उस पर सब्र रखें, उनको सही रास्ते पर इस्तेमाल करें, सही तरीके पर इस्तेमाल करें। बड़ा बहुत बड़ा टेस्ट होता है। अमूमन जब हमारी खुशियाँ आती हैं ना, मेरा एक को एक पुत्र है, अमूमन एक जुमला बोला रहता है, एक एक बेटा है, इसकी शादी में मैंने खर्चा ना किया तो भाई लोग बातें करेंगे, मतलब 1,000 बंदे का वलीमा ना किया, मैंने इतने खाने ना बनाए तो लोग बातें करेंगे। ये सब्र ही तो है, अपने नफ्स को मारना, बेसिकली अपने नफ्स को कंट्रोल करना अल्लाह की रजा के लिए, और स्पेशली नेमतों में ऐसी पोजिशन में हम जाके मार खा देते हैं। अमूमन तकलीफ़ में मोस्टली सब्र कर, मतलब क्योंकि हमें पता होता है, हम बार बार सुनते हैं, हमें बार बार इस चीज़ का एहसास होता है कि जी मुश्किल में हमने सब्र करना, मुश्किल में नहीं, ये चीज़ तो हमारे जहन में कहीं से आती ही नहीं कि नेमत के ऊपर भी सब्र के साथ रहना है, हौसले के साथ रहना है, पागल नहीं हो जाना, अपने आपे से बाहर नहीं निकल जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो थर्ड टाइप है, जो किस्म सब्र की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ मैं आप लोगों को चाहूँगा कि इसके बारे में भी सोचें, जिसको हम कह सकते हैं कि आमाल की, जो हमारे आमाल हैं उनके ऊपर सब्र, के हमारी जो नेकियां हैं, और जिसे कह लें अतात के ऊपर सब्र। जैसे सूरह असर में है ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि सूरह असर में है कि वलासरिन इंसान लफी खुसर इल्ला लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। यानी कि आपको हक के रास्ते पे चलने के लिए, हक के रास्ते पे चलने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। हक का रास्ता नेक, हक के अंदर आपका हक का रास्ता क्या है? मिसाल के तौर पे आपका नेकी करने को, आप नेकी करना चाह रहे हैं तो आसान नहीं है,
आपने सुबह फजर की नमाज बावजू, सर्दियां हैं आजकल, आप ठंडे पानी से वजू कर लेंगे, आप उठेंगे, बाहर इतनी सर्दी है, आप मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, नेकी है। उसके लिए आपको सब्र करना पड़ रहा है ना, अपनी अपने नफ्स को मारना पड़ रहा है ना। आपका तो दिल कर रहा, मन कह रहा है कि यार कंबल लिए रखो, पढ़ लेंगे यार बाद में, पढ़ लेंगे उठ के, पढ़ लेंगे थोड़ी सी, कोई बात नहीं, घर में पढ़ लेंगे, बस पढ़ के फौरन सो जाएंगे। नहीं, अपने नफ्स को मारना पड़ रहा है नेकी के लिए। इसी तरह दूसरा जो इसका एंगल है कि बुराई से रोकना, बुराई से हम कैसे रुकें, सब्र करना पड़ रहा है ना। हमें गाना बड़ा अच्छा लगता है, हम फ्रेश हो जाते हैं गाने सुन के, हम चाहते हैं कि हमारी एक फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हम उसके साथ रहें, हमारी कोई गपशप हो जाती है, थोड़ा माइंड फ्री हो जाता है, कोई स्ट्रेस हमारे शेयर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, गुनाह के अंदर भी, बुराई के अंदर भी अपने आप को रोकना, वो सब्र की बदौलत ही है, अदरवाइज अपने आप को आप बुराई से भी नहीं रोक सकेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये जो लास्ट पॉइंट है, इसकी जो है आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी है कि हमें अपनी नेकियों के लिए, यानी कि आपने नमाज पढ़नी है, आपने हज करना है, आपने ज़कात देनी है, माल, अब जैसे मैंने आपको कहा माल की आजमाइश, अब आपके पास माल है, ज़कात देते हुए जान निकल रही है, सदका करते हुए जान निकल रही है, तो आजमाइश जो है आजमाया आपको जाएगा। और नेकी के अंदर भी, यानी कि नेकी करने के लिए भी आपके आपको सब्र चाहिए, आपके अंदर पेशेंस चाहिए। पेशेंस, देखें एक और चीज़, पेशेंस को समझने के लिए एक और भी आपको बात समझनी है कि आप ये पेशेंस अपने अंदर क्यों पैदा कर रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, क्यों लाना चाह रहे हैं। देखिए, इसका मकसद ये है ना कि आपने एक खास डेस्टिनेशन पे कुछ अचीव करना है। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको सब्र की जो मफहूम बताने की कोशिश की कि किसी खास मकसद के लिए, किसी खास गोल को अचीव करने के लिए हम मुसलसल जो एक एफर्ट करते रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, रुकते नहीं हैं और बर्दाश्त भी करते हैं, सोबतें भी आती हैं। मिसाल हम अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दिन एक्सरसाइज नहीं करते, मुसलसल कर जाते हैं, बर्दाश्त करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, पसीना बर्दाश्त कर रहे होते हैं, भूख बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना सब कुछ, एक दुनियावी मकसद के लिए, खास मकसद के लिए। हम एक एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया कि हम एक खास पैटर्न के अंदर चलते हैं और फिर हम उस चीज़ को अचीव करते हैं। तो आखिरत में भी जब हमारा मकसद ये है कि हमने अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है, बेसिकली यू कैन से कि ये जो सब्र है ना, मैं अगर इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि इट्स काइंड ऑफ लव रिलेशन विद अल्लाह सुभान व तआला, कि जब आपको ये नज़र आता है ना कि मेरा रिलेशन किस ज़ात से बन रहा है, मैं किसको राज़ी करने के लिए, किससे किससे ताल्लुक़ बनाने के लिए ये सब्र कर रहा हूँ, तो वो फिर आपके लिए आसान होता है और फिर आप उसमें जुटे रहते हैं। जैसे मैंने आपको भी एक्सरसाइज की एक छोटी सी मिसाल ऐसे दुनिया की दी कि जब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होती है ना कि मैंने अपने आप को अपना वेट लॉस इतना करना है, तो आप उसको कभी भी नहीं छोड़ते, आपको मकसद पता होता है ना। तो जब आपको बेसिकली सब्र का मकसद पता होगा ना कि आप किस ज़ात के लिए सब्र कर रहे हैं, किसको राज़ी करने के लिए सब्र कर, फिर आपका हौसला बंधा रहेगा, आप उसके साथ और आपकी उसकी जो, क्योंकि बेसिकली एक खास रिलेशन है भी, मैं आपको बता देता हूँ कि लेवल्स हैं बेसिकली सब्र का, जो स्टार्टिंग लेवल है ना, जिसको अगर मैं, तीन लेवल्स हैं, एक एक लेवल को मैं कहता हूँ, कह सकता हूँ कि वो बर्दाश्त का है, दूसरा लेवल सब्र जिसको आप कह सकते हैं, और तीसरा लेवल सब्र जमील। बेसिकली ये एक आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग, अगर किसी भी इंसान से अगर हम बात करें कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है और पॉजिटिव साइड के ऊपर लेकर आना है, नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, तो पहला लेवल जो होगा ना उसका बर्दाश्त का होगा, वो उसकी वो जो लेवल है बेसिकली, उसको आप ये कह सकते हैं कि दुनियावी लेवल, ये कह सकते हैं कि दुनिया से आप वो चीज़ें सीख सकते हैं, या इसको इस तरह समझ लें आप कि बर्दाश्त जो है वो नॉर्मली हम कहते हैं ना कि ये मेरे से बड़ा है, मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये मेरे सर है ना, इन्होंने गलत बात की है, मैं इसलिए इनकी बात बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये मेरे वालिद साहब है ना, मैं इनके, एक्चुअली बर्दाश्त को आप ये कह सकते हैं कि बर्दाश्त का एक लेवल होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है अमूमन, या हो सकती है जी। नॉर्मली आप नोट कर सकते हैं कि ये जो बर्दाश्त का वर्ड है ना, नॉर्मली हम अपने रिलेशंस में यूज़ करते हैं, रिलेशंस, दुनियावी रिलेशंस में हम कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, बीवी शोहर की गलत बात को बर्दाश्त करती है, ठीक है। जब बीवी शोहर की बात को बर्दाश्त सिर्फ शोहर के लिए या उसके घर के लिए या अपनी दुनियावी ज़रूरत के लिए कर रही है ना, तो वो बर्दाश्त है, लेकिन जब उसका मकसद या उसका गोल अल्लाह की रज़ा है ना,
और वह ये समझती है कि मेरे मियाँ ने जो गलत बात अगर कर ही दी है या कोई ऐसी बात कर दी है जिससे मैं हर्ट हुई हूँ, ये बार बार एक ऐसी बात कर रहा है जिससे मैं हर्ट हो रही हूँ, तो वो फिर सबर में आएगा। और किस क्यों क्यों सबर में आएगा? कि वो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने कहा ना शोहर की बात को बर्दाश्त करें आप, ठीक है, या अपने वालदैन की कोई ऐसी बात है आपकी, किसी भी रिलेशन की, किसी भी दोस्त की, जैसे आप प्यार करते हैं, आप किसी बात उसको जब तक दुनियावी मकसद के लिए उसकी बात को पेशेंस रखेंगे उसकी बात पे, तो वो बर्दाश्त है, लेकिन जब आप उसका उसका मकसद अल्लाह की रजा के साथ जोड़ देंगे ना, तो वो सब्र में शामिल हो जाता है। जितना मैं समझ सका हूँ इस बात को, कि जब हमारा मकसद अल्लाह की रजा बन जाता है ना, तो वो बात सब्र में आ जाती है। और इधर एक पॉइंट बहुत क्लियर करने की ज़रूरत है कि जब हमारा किसी बात पे, किसी भी सिचुएशन में कोई काम सब्र के, हम कहते हैं ना मैं सब्र कर रहा हूँ, तो हम उसको कैसे गेज कर सकते हैं? अगर तो हम उसका रिवॉर्ड, मिसाल के तौर पर मुझे आपने किसी ने कोई गलत बात की, या कोई भी सिचुएशन ऐसी मेरे सामने गलत हो गई, मैं हर्ट हुआ, अब मैं उसका वावेला लोगों से करना शुरू हो गया, अपनी बीवी से जाके कर रहा हूँ, घर वालों से कर रहा हूँ, या किसी भी दोस्त यार से कर रहा हूँ, तो इसको हम सब्र नहीं कह सकते, इसको हम बर्दाश्त कह सकते हैं। ठीक है, बर्दाश्त किया जी, वो जूनियर था उसने मेरे साथ गलत बात कर दी, या वो मेरे बॉस से सीनियर थे उन्होंने मेरे से गलत बात कर दी, तो मैंने बर्दाश्त, सब्र नहीं कह सकते। इस चीज़ को यहाँ क्लियर कर लें, सब्र किस चीज़ को कहेंगे? सब्र आप इस चीज़ को कहेंगे कि जब आपके साथ किसी ने ज्यादती की, किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, किसी बात से आप हर्ट हुए, तो आप अपना मामला उस रब पे छोड़ दें। आप किसी को देखिए, हम कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बात की कि हमारे पर जो क्लैमिटी आती है, कोई परेशानी आती है, हम साथ ही हमारे जहन में या हमारे अंदर एक फीलिंग जनरेट होती है कि अपना प्यारा हो हमारे पास, हमारे दुख उसके साथ हम शेयर करें, हम रिलैक्स हो। कितना प्यारा वो बंदा है जो अपना दुख अपने रब से शेयर करता है, जब उस वो बेनियाज हो जाता है दुनिया के सहारों का से, उसको कोई इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं रहती कि उसकी ज़िंदगी में कौन है और कौन नहीं है, उसको ये पता है कि मेरे पर ये आजमाइश है या तकलीफ़ है या परेशानी है, मेरा रब है ना। तो ये चीज़ आपको लेकर जाती है थर्ड लेवल पे, इसको कहते हैं सब्र जमील। और इसमें एक चीज़ और ही साथ ऐड हो जाती है, वो ये कि वो बंदा शुक्र उस क्लैमिटी, उस परेशानी, उस आजमाइश के साथ जो उसका फर्स्ट रिएक्शन होता है, वो शुक्रगुजारी का रिएक्शन होता है। कभी आपने किसी को देखा है, किसी की बच्चे की, किसी की बहुत प्यारे की डेथ हुई और वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह? कभी सुना है? अल्लाह अकबर, इट्स नॉट अ जोक। लोग सम टाइम ऐसे लोगों को कहते हैं पागल हो गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसका बहुत इसका इसकी वालदा फोत हुई है ना स्ट्रेस से ना, ये पागल हो गए, ये कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर, इधर की हदीस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अल्लाह अकबर, जब किसी की फरिश्ते जब किसी की किसी प्यारे की, किसी बेटे की, या किसी बहुत प्यारे लव वन की जान निकालते हैं, तो अल्लाह सुबहाना व तआला पूछते हैं उनसे कि तुमने उस बंदे ने क्या रिएक्शन शो किया, तुम उसका बेटा या उसका इतना प्यारा, जिसे वो जिसमें उसकी जान थी, वो मरता था उसके ऊपर, वो उसके बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता था, उसकी ज़िंदगी उसके बगैर वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, तुम उसके उसकी जान को निकाल के ले आए, उसने क्या कहा? अल्लाह अकबर, फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना तआला को जवाब देते हैं कि उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं राज़ी हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना खुश होते हैं, और अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं कि जन्नत में बैतुल हम्द के नाम से उसका महल बना दो। क्या फजीलत होगी, जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे और उसके महल को देख देख के तारीफ करेंगे, सुभान अल्लाह। और ये मकाम जो है ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये हदीस है, इसका मतलब है ये कोई फेरी टेल नहीं है, इसको हम ये नहीं समझ सकते कि नामुमकिन है, ये मुमकिन है। अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने अम्बिया की मिसालें दी, पहले तो मैं हज़रत याकूब की मिसाल से आपको ये बात समझाऊंगा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पे जब उनके बेटे का पहाड़, खबर का पहाड़ टूटा कि वो शायद मारा गया है या वो कहीं चला गया है, और उनसे ये क्योंकि वो इतनी मोहब्बत करते थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, तो उन्होंने क्या किया? अल्लाह अकबर, कुरान में आता है उन्होंने सब्र जमील किया,
अल्लाह, उन्होंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, राजी हो गए अल्लाह से, अल्लाह तूने जो किया, इन्होंने जो किया, इन्होंने तो अपने भाइयों ने जो भी किया इनको तो इनका अपना हिसाब है, लेकिन तूने जो किया मैं उससे राजी हूँ। तो बेसिकली ये एक ऐसी ऐसा लेवल है जिस पे इंसान जब आता है तो उसकी मुश्किलें सिर्फ मुश्किलें नहीं रहती हैं, वो दुनिया में भी उनके करामतें या उनकी जो निशानियां हैं या उनकी जो फजीलतें हैं या उनकी बरकात हैं वो दुनिया में भी अल्लाह सुभानहू व तआला उनको दिखाता है और आखरत में भी। तो दुनिया में देखिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिछड़े किस हालत में थे, एक छोटे बच्चे की हालत में, तो मिलाया किस हालत में, उनको नबूवत मिल चुकी थी, कितना बड़ा कितना अजीम रुतबा मिल चुका हुआ था, मिस्र कितनी बड़ी बादशाह थी उसके अंदर उनको हुकूमत मिली हुई थी, और खूबसूरती हर, यानी कि उनको एक बेहतर, यानी कि उससे बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने वो नेमत दोबारा उन्हें मिली, और वो उससे अल्लाह ताला, क्योंकि वो पहले ही राजी हो गए थे। अल्लाह ताला का वादा है कि जो मुझसे राजी हैं, जिनका जिनका मेरे पे तवक्कुल है, जो मेरी बात पे सब्र करते हैं, मेरी मशीयत पे राजी रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इनामात मिलेंगे। तो इसी तरह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बड़ा मुझे अच्छा लगा, एक रिपोर्ट थी, एक सिस्टर है अमेरिका में गालबन, वहाँ पर उनका नाम महम था, और उनको अमूमन मैं ये बात इसलिए कोट कर रहा हूँ कि नॉर्मली हम लोग भी या हम में से भी कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं और अल्लाह ताला उनको भी क्या रिजल्ट्स दिखाता है। मतलब उनको क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी गोइंग थी, उनके पेट में बहुत सख्त दर्द हुआ और इवेंचुअली पता चला कि उनका पेट का कैंसर है, तो काफ़ी सा इलाज कराने के बाद तो बहुत ज़्यादा उनका इलाज हुआ, लेकिन फाइनली डॉक्टरों ने एक दिन पहले कहा कि अब आपके पास एक नाइट है और मतलब माइट भी जो कल जो आपका ट्रीटमेंट हो उसके बाद आपकी डेथ हो जाए। तो अल्लाह सुभानहू व तआला ने उनकी रहनुमाई की और क्या मौजज़ा दिखाया कि वो सारी रात बैठ कर ना, ओबियसली सब्र तो वो कर रही थी, इतनी तकलीफ़ तकलीफ़ कोई भी बंदा जो तकलीफ़ में होता है वो सब्र ही कर रहा होता है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा तो होता नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सब्र के साथ जैसे ही इंसान शुक्र मिलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, तो उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है और अल्लाह ताला कैसे कैसे मिरेकल्स दिखाता है। तो सिस्टर ने क्या किया, सारी रात उनके पास जो रात अल्लाह ताला ने दी, उन्होंने सारी रात अल्लाह का शुक्र अदा किया, जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त यार, तालीम, यूनिवर्सिटीज़, जो भी उन्होंने फील किया उस वक्त, जो जो चीज़ें याद आई वो रो रो के अल्लाह से शुक्र अदा करती थी, रो के याद। सो रात गुजर गई, तो जब सुबह डॉक्टर्स के पास गए और उन्होंने फाइनली उनके कोई टेस्ट वगैरह लेने थे और उनमें चेक करना था, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट करना था उसका जो कैंसर का होता है उनका प्रोसीजर, तो वो क्या देखते हैं कि उनका कैंसर ख़त्म हो, लास्ट स्टेजेस का कैंसर था, और डॉक्टर सर पकड़ के बैठ के कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, एक रात में क्या हो गया ऐसा कि आपका सारा जो है वो कैंसर ख़त्म हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा। तो उन्होंने फिर अपनी स्टोरी बताई कि मैं सारी रात ये अमल करती रही, नाउ शी इज़ गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर्स इन अमेरिका मुख्तलिफ, एक गालबन उनकी एनजीओ भी है और वो कैंसर्स के मरीजों को मोटिवेशनल लेक्चर्स देती। तो कहने का मकसद ये, और ये एक ऐसी टिप है, मैं आपको एक बात हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, आपको शायद इस वक्त लग रहा हो कि ये बात ऐसी है या मतलब ये पॉसिबल नहीं है, अल्लाह की फ़जल, ये बेसिकली कोई भी नेकी या कोई भी खैर का जो इंसान काम करता है उसमें अल्लाह का फ़जल मस्ट है। मैं इसको इससे रिलेट करता हूँ कि मैंने एक्चुअली ये दोनों बातें सुनी हुई थी और 2020 में आपको पता कोविड आया और मुझे उसका जब मैं कोविड हुआ मुझे, तो बहरहाल जैसे आप लोग अंदाज़ा है मुख्तलिफ उसमें बुखार चढ़ता है, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मुझे कोविड हो गया, बट मगरिब की नमाज़ में जब पढ़ रहा था तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बैक पेन हुई और शदीद, मतलब बर्दाश्त से बाहर थी, और मैंने जब टेम्परेचर चेक किया वो 105 से ऊपर जा रहा था, और बामुश्किल मैं नमाज कंप्लीट करके यानी कि अपने बिस्तर तक गया, और जब मैं लेटा तो मुझे ये दोनों बातें याद आई, और आप यकीन करें कि मुझे नहीं अंदाज़ा, मतलब एक्चुअली जब भी हमें कोई क्लैमिटी या कोई भी परेशानी आती है तो हमें इस चीज़ का ज़रूर जहन में होना चाहिए, और जब हमारे जहन में ये चीज़ होती है कि हमें इसका अजर मिलना है और अल्लाह ताला ने मोमिन से वादा किया हुआ है कि उसकी जो तकलीफ़ है, जो बीमारी है या परेशानी है, उसके बदले में उसके दर्जात बुलंद होते हैं, तो इस साथ के साथ इस बात के साथ जब आप अल्हम्दुलिल्लाह शामिल करते हैं, मैंने उस वक्त मेरे जो एकदम बेड पे लेटते सारी एकदम जो बात आई मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको पता है सिचुएशन कैसी थी कि इंसान बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता था कि अब उसके साथ होने क्या वाला है, मतलब कितना टाइम उसके पास रह गया, तो मेरे जहन में जो एकदम प्रॉम्प्ट उस वक्त रिस्पॉन्स आया मैंने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
और वो सारी ये जो सारी बातें मेरे एकदम जहन में आईं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे जो है अगर ये तकलीफ़ दी है तो यकीनन तू मुझे इसका नेमुल बदल बेहतरीन देगा। आप यकीन करें जो कोविड का वो जो साइकिल था 15 डेज़ का, जो मतलब मैंने परहेज़ की, लेकिन मुझे उस एट दैट मोमेंट यानी कि जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन करें वो अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड के बाद कोई पेन याद नहीं है। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे, मिसेस बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेशन में आ रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बिलीव नहीं थी और बिल्कुल मैं रिलैक्स हो गया। मेरा एक जैसे आप ये कह लें कि एकदम जैसे उस वर्ड एक वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से और इस इंटेंशन के साथ कि अल्लाह मैं राज़ी हूँ तेरे साथ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में बेसिकली ये चीज़ें आपको कैसे आपकी लाइफ में आएंगी जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस रखेंगे अपने साथ। कोशिश करें कि आप जो है नेकी करने के साथ साथ इन चीज़ों को जहन में रखें, सब्र के साथ आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने शुक्र भी अदा करना है। और शुक्र बेसिकली है क्या चीज़ कि आप जो है अल्लाह की जो अल्लाह का जो आपके लिए जो भी मामला हो रहा है, जो भी चीज़ अल्लाह ने आपसे ली है, या जैसे मैंने आपको बताया नेमत भी अगर अल्लाह ताला ने दी है ये भी अल्लाह ताला की मशीयत है, उससे राज़ी रहें। बेटा दी है, बेटी दी है, तकलीफ़ दी है, कोई परेशानी है, कोई आपको नुकसान पहुँच गया है, अल्लाह से राज़ी रहें। तो लास्ट पॉइंट के बाद मैं आ जाता हूँ, मेरे से काफ़ी टाइम भी हो रहा है, तो जिस चीज़ को आप लोग मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा कि अमूमन हम जब ये बात करते हैं कि सब्र करना चाहिए और सब्र की इम्पोर्टेंस भी जैसे मैंने आपके सामने रखी और बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ पे आपको कुरान से और हदीस से रहनुमाई मिलती है कि सब्र की बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो जो चैलेंज हम फेस करते हैं वो ये कि हम अपनी पर्सनैलिटी में सब्र कैसे लेकर आए, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह सुबहाना ताला ने ये जो बातें कुरान में हमें या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जो हमें मिलती हैं ये पॉसिबल हैं तो अल्लाह ताला ने बताई है ना। अगर इम्पॉसिबल हो कि जी आप सब्र नहीं कर सकते या आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में सब्र नहीं आ सकता, तो फिर अल्लाह सुबहाना ताला इसकी अहमियत और इसके अजर और इसकी जो सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो क्यों पेश हमें देते कुरान और हदीस में। दैट्स मीन्स अल्लाह सुबहाना व तआला ने इंसान को इस काबिल बनाया है, क्योंकि जो अल्लाह वाले हैं जैसे हिजबुल्ला मैं कहता हूँ, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उनमें ये क्वालिटीज़ पैदा होती हैं तो अल्लाह ताला ने बताया ना कि तुम पैदा कर सकते हो, तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं ना कि तुम अपने अंदर सब्र पैदा करो। अगर ना हो सकती कोई इम्पॉसिबल चीज़ होती जो सिर्फ अम्बिया किराम में हो सकती थी या कोई ऐसी चीज़ जो अम्बिया किराम में थी और हम में नहीं है, तो वो उनका एक खासा था, तो अल्लाह ताला हमसे भी वो डिमांड नहीं करें, लेकिन जो चीज़ हमसे डिमांड करें दैट्स मीन वो सब मुसलमान या सब इंसानों में वो क्वालिटी आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें कि हमें सब्र कैसे आएगा। सबसे पहली जो चीज़ जो हम सब्र के लिए इस चीज़ को अपने जहन को तैयार करें कि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत टेम्प्रेरी है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी की वैल्यू का पता होगा ना तो फिर हमें सब्र आएगा। और हम जब जैसे मैंने आपको पहले भी हदीस में बताया कि जो मोमिन के लिए जो दुनिया है वो एक जेल खाना है, जब हमें इन चीज़ों का पता होगा और जब हमें ये पता होगा कि हमने किसी भी एक्ट का आंसरेबल हैं हम आखिरत में अल्लाह ताला को, तो फिर हम सब्र करेंगे। या जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें अपने गोल का मकसद गोल का मक यानी हमें गोल का पता होगा या हमें जब इस चीज़ का पता होगा कि इस काम को सब्र को करने से हमारे अल्लाह ताला की हमारे साथ क्या रिलेशन होगा या अल्लाह ताला हमसे कितने खुश होंगे, तो फिर हम करेंगे सब्र। फिर हम जितनी भी तकलीफ़ें आएँ जितनी भी आजमाइशें हम पे आएँ हम सब्र करेंगे। जैसे हदीस में आते हैं ना कि जब क़यामत का दिन होगा तो लोग ख्वाहिश करेंगे काश कि दुनिया में हमारे जिस्म को ना कैंचियों से काट दिया जाता, बोटी बोटी कर दिया जाता, इतनी तकलीफ़ हमें दुनिया में मिलती, क्योंकि जब वहां पे वो सब्र करने का अजर देखेंगे ना तो अंदाजा करें वो क्या अजर देख रहे होंगे, क्या उसका क्या उसकी वैल्यू मतलब उसकी क्या हैयत होगी या उसकी क्या वैल्यू होगी आखिरत में, वो क्या चीज देख रहे होंगे, कितना बड़ा इनाम देख रहे होंगे कि उनको वो ख्वाहिश कर रहे होंगे कि हमें काट दिया जाता। वो जैसे मुजाहिद के बारे में आता है ना कि उससे पूछा वो कहेगा कि मुझे दोबारा दुनिया यानी कि उसको जो लज्जत आई थी शहादत के वक्त, इनकी सब्र इंसान को इस लेवल पे पहुंचा देता है कि जब उसको अल्लाह की रज़ा में जो तकलीफ़ आती है तो वो उसको कैसे फेस कर लेता है। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि
हमारा गोल आखिरत है। फिर चाहे दुनिया आपका मजाक उड़ाए कि तुमने दाढ़ी क्यों रखी हुई है, तुम मस्जिद में ही हर वक्त नमाजें पढ़ने जाते हो, मस्जिद के मौलवी बन जाओ, बातें तो लोग सुनाएंगे। तुम क्या गलत, तुम यार तुम क्या मजाक ही नहीं करने देते यार, कभी तुम मिसाल के तौर तो यार क्या तुम सब मतलब लड़कियां आती हैं तुम नज़र झुका लेते हो यार, तुम्हारे में तुम किस किस्म के लड़के हो, मजाक उड़ाएंगे ना दोस्त यार, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, उल्टे सीधे आपके साथ मजाक उड़ाएंगे आपका। मतलब जब आप हक के रास्ते पर चलेंगे तो फिर आपका मजाक तो उड़ाया जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला क्या कहता है, तो मैं नहीं लोगों को कामयाब करूंगा जो सब्र करें। आमनू आमिनु सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, जो हक के रास्ते पर चलेंगे मेरी खातिर और सब्र करेंगे उनको मैं कामयाब कर दूंगा। तो जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्र हम में कैसे आ सकता है, किस तरह से लेकर आ सकते हैं, उस किस चीज़ को हम अपनी लाइफ में लेकर आए, वो है नमाज। अल्लाह ताला कहते हैं ना, मदद मांगो नमाज से और सब्र से, है अल्लाह की मदद आती है। तो नमाज, नमाज बेसिकली पूरा एक पैकेज है। नमाज में वजू आता है, नमाज में आप अल्लाह ताला की अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, पूरा अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं बेसिकली। जब अगर आप पूरा प्रोसीजर देखें ना, कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नमाज पढ़ने से आपके अंदर सब्र आएगा, तो इसमें दो तीन चीज़ें जहन में रखें। एक तो चीज़, नॉर्मली जब हम वज़ू करते हैं तो वज़ू का अभी एक अपनी फजीलत है, अल्लाह सुबहाना व ताला आपकी जो जिसे कहते हैं ना गुनाह, और अल्लाह ताला कहते हैं, हदीस आपने सुनी होगी, बड़ी कॉमन हदीस है कि जब इंसान वज़ू करता है तो उसके सारे गुनाह झड़, हाथों के जब हाथ होता है तो हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, जब मुंह धोता है तो मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, आँखों के, कान, हर गुनाह झड़ जाता है। बेसिकली जो हमारे पर आजमाइश तकलीफ़ आती है, जो चैलेंज आया होता है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में, कि तुम्हारे अपने अमाल की वजह से आया होता है। तो जब हमारे, देखिए पहला काम आपने किया वजू, तो उससे आपके गुनाह झड़ गए। दूसरा काम आपने किया कि नमाज, नमाज अल्लाह ताला को पसंद है। आप किससे मीटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपकी आप एक क्लैमिटी आई है, कोई परेशानी आई है, आप किसी स्ट्रेस में हैं, आप कहते हैं मेरा मेरे दोस्त हो मेरे साथ, मेरा भाई हो, मेरी माँ हो, मैं उससे बात करूँ। अगर किसी बंदे के कोई भी नहीं है, और एक वक्त आता है जब इंसान के पास कोई भी नहीं रहता, तो फिर वो किसके पास जाए। अल्लाह कहता है मैं हूं ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर दूंगा। तो हमारा जो सब्र है उसमें हासिल करने का जो जर्नी है उसमें नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़र्ज़ नमाज तो फ़र्ज़ ही है, लेकिन नफल नमाज, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आ गया, अचानक आपको लॉस हो गया है, आपकी कोई इवन के मैं जैसे हदीस पढ़ा, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने बताया कि तुम्हारे भाई की डेथ होगी, तो वो फ़ौरन सवारी पे थे, सवारी से उतरे और नमाज़ पढ़ने लग गए। अल्लाह अकबर, किसी ने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उस रब से राज़ी हूँ जिसने उस, उन्होंने कहा कि आपका भाई फोत हो गया, आप नमाज़ पढ़ने लगे, आप जाएँ उसके, कहा जो उसने किया है मैं उससे राज़ी हूँ, उसने सही किया, मैं तो सिर्फ नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये जो चैलेंज, ये जो आजमाइश, ये जो तकलीफ़ मेरे ऊपर पड़ गई है उसमें अल्लाह की मदद मांग रहा हूँ कि मैं कहीं फिसल ना जाऊँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब हम पे तकलीफ़ आती है या आजमाइश आती है खुशी की तरह, तो हम अपने आपे से बाहर निकल जाते हैं। उस वक्त अपने आप को बेसिकली कोई बंदा कहे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, नहीं, अल्लाह का फजल चाहिए उस वक्त हमें, अल्लाह का फजल हमें उस वक्त चाहिए कि हम अल्लाह के फजल को ढूंढें और उसकी मदद मांगें, और अपनी मुश्किल में उससे मदद मांगें कि या अल्लाह मेरे से कोई ऐसा एक्ट ना हो, कोई ऐसा अमल ना हो जाए मेरे से जिससे आप नाराज़ हो जाए और मेरे सब्र का सारा अजर ज़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली सब्र के अलावा कोई और चारा भी नहीं होता। बस फर्क ये है कि एट राइट टाइम एट द स्पॉट हम सब्र करते हैं, या हम 10 दिन 20 दिन वावेला करने के बाद, 40 दिन वाला वावेला करने के बाद सब्र हम कहते हैं अब हमें सब्र आ गया, वो सब्र नहीं होता। सब्र वो होता है कि आपके कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आया है, उसी वक्त अपने जो जिसे कह लें ना, अपने जो आपके रिडार्स हैं, अपने पर्सनैलिटी, आपके आप अपने एकदम अपना जो कंट्रोल है उसको अलर्ट करें और अल्लाह ताला से जुड़ने की। बेसिकली क्या है सब्र, सब्र ये है कि आप अपना कनेक्शन अपने रब के साथ जुड़ें। बेसिकली सब्र मैंने जो आपको बताया कि इट्स अ मैराथन, एक पूरी, एक जैसे कह लें ना कि पूरी लाइफ का, मोमिन की पूरी लाइफ मुसलसल स्ट्रगल्स में ही है। बात सिर्फ ये है कि आगे तो मुश्किल चलती रहेगी, कोई अगर लेट्स सपोज आपको कोई लॉस हो गया, वो कोई एकदम रिकवर तो नहीं होगा, बट एट दैट टाइम जब वो स्टार्ट हुआ है वहां पे आपने उस चीज को कंट्रोल किया और अल्लाह से मदद मांगी, नमाज पढ़ी, तो आपकी वो मुश्किल आसान हो जाएगी। और अल्लाह ताला क्या देखना चाह रहा था, जैसे ही आपने उस राइट टाइम पर राइट एक्ट किया, अल्लाह ताला अगला सफर आसान कर देता है।
उसको कामयाबी में बदल देता है। तो तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाही तत्मईनुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह का ज़िक्र हमारे अंदर जो इंसान है सब्र पैदा करता है। हमारे दिलों को सुकून तब आएगा जब हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे। एक्चुअली हम भूल ही जाते हैं अल्लाह का ज़िक्र क्या है। अपने रब को याद रखना उस पोजीशन में, आपको कामयाबी मिली है अपने रब को याद रखें, आपको नाकामी मिली है अपने रब को याद रखें, आपको तकलीफ़ मिली है अपने रब को याद रखें। यही तो पॉइंट होता है कि हम जब अल्लाह का जिक्र करें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो तकलीफ़ के, जैसे कोई आजमाइश है तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज़ बता रही है कि आप सारा दिन क्या पढ़ते रहते हैं, वो आपके अंदर भी घुसा है अल्हम्दुलिल्लाह के नहीं। 5 वक्त नमाजों में कितनी दफ़ा हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद भी 33-33 दफ़ा हम पढ़ते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन हमने ऑब्जर्व भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह के नहीं किया, उस वक्त हमें पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या चीज़ है, उस वक्त हमारे वो काम आएगी चीज़। क्यों हम बेसिकली कर क्यों रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर क्यों रहे होते हैं, हमें इस चीज़ का ही नहीं अंदाज़ा हम क्यों पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि जब हमारे पर चैलेंज आएगा तो हमारा फर्स्ट वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। तो इसको आप जैसे देख लें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दुआओं, जैसे जिक्र की बात आती है तो जिक्र में मुझे लगता है कि जो एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें आप बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी और उसको मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, आप लोग भी किया करें। सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, फिर अम्बिया किराम के वाकियात, सहाबा के वाकियात, आले बैत के वाकियात, सालेहीन के वाकियात पढ़ें उनको। अल्लाह अकबर, आपको अपनी आजमाइश और अपनी तकलीफ़ जो है ना बहुत छोटी नज़र आएगी। और बहुत छोटी अगर नहीं भी नज़र आए या आप बहुत तकलीफ़ में भी होंगे तो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना वे आउट नज़र आ जाएगा कि इस परेशानी, इस तकलीफ़ के आलम में क्या किया नेक लोगों ने। वावेला मचाया, शोर शराबा मचाया ना, यहाँ के सब्र किया, तब कितनी कितनी बड़ी तकलीफें काट दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अगर ये मालूम हो जाए कि तुमसे पहले आने वाले लोगों पर कितनी आजमाइश हुई तो तुम परेशान हो जाओ, उनके उनका उनके जिस्मों को आरों से काट दिया जाता था। अल्लाह अकबर। तो क्या हम पे जो तकलीफ़ आई है, जो आजमाइश आई है, तो उसका सलूशन या उसका रास्ता हमें नज़र नहीं आएगा? आएगा डेफिनेटली। तो ये हमारी कमज़ोरी है कि हम अपनी सीरत के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं है, हमारे जो कुरान में हमारे जो अंबिया किराम की जो सीरत के वाकयात हैं, जो हमारे सहाबा के आले बैत की उनकी जो ट्रायल्स और उनकी जो मुश्किलात थी, उनकी जो परेशानियाँ थी, या सल्फ़ सालिहीन की जो आइमा किराम जो पुराने गुजरे हैं उनकी लाइफ को अगर हम देखें तो हम हिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा हौसला मिलता है फिर उनको पढ़ने के बाद कि अल्लाह ताला तो उन्हें हमारे लिए आसानी ही रखी हुई है। तो कहते हैं ना हमेशा अपने से, अगर आप नीचे वाले को या अपने से ज़्यादा परेशान को देखते हैं तो फिर आपको अपनी परेशानी और अपनी तकलीफ़ छोटी लगने लग जाती है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये कोई मामूली टिप नहीं है। अगर हम लोग वाकई अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं ना और सब्र से अपने कामयाबी के रास्ते को अचीव चलाना चाहते हैं आगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसको मामूली ना समझें, इसको ज़रूर आप लोग फॉलोअप करें कि इन अपने जो नेक हमारे जो नेक सालेहीन हैं, जो अंबिया किराम और सहाबा किराम हैं, उनके वाकयात को पढ़ें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सेकंड लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है सब्र के लिए या इवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, और बहुत ही खूबसूरत हमारे पास एक रास्ता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो दुआएं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेतहाशा दुआएं बताई हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, बहुत सारे चैलेंजेस की, उन दुआओं से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये दुआएँ हैं। तो उन उन दुआओं में एक दुआ है जिसको मैं चाहूँगा कि हम लोग ज़रूर इस सिटिंग में आपके साथ शेयर करूँगा कि उम्मे सलमा रज़ील्ला ताला अन्हा को बताई गई ये दुआ, बेसिकली लंबा वाकिया है। बेसिकली उनके शोहर की डेथ हो गई थी अबू सलमा की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तक ये मैसेज भेजा था कि आप ये दुआ पढ़ें, उनको परेशानी थी। तो
उन्होंने उनको ये दुआ बताई। बेसिकली ये दुआ क्या है, ये दुआ ये है कि गम और तकलीफ़ में पड़ने वाली, और सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया कि गम और तकलीफ़ में जब हम अल्लाह को राज़ी करते हैं तो अल्लाह सुबहाना ताला सिर्फ राज़ी नहीं होते, उसका नेमुल बदल भी देते। तो उन्होंने कहा कि आप ये दुआ पढ़ें, और इस दुआ को मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखा। वो ऐसे कि मेरी वालदा की डेथ होगी तकरीबन 2005 में, तो मुझे आदों की कोशिश थी सब्र ही रहे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा वावेला नहीं उस तरह से किया, लेकिन इंसान की कुछ कैफियत होती है अंदर से, एक दिल के अंदर एक बेकरारी, बेचैनी, इस्तराब, बहुत तकलीफ़ थी मुझे। और कभी कभार तो मुझे, मैं किसी से शेयर नहीं करता, आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अब उसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त देखा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट डिस्कस करूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ हुआ ये कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन था। आखिर मैंने, हमारे शेख थे, उस्ताद थे, मैंने उनसे अपनी कैफियत शेयर कर दी कि मुझे बेचैनी बहुत ज़्यादा है, मेरा दिल, मुझे ऐसे लगता है फट जाएगा, मेरे से ये गम बर्दाश्त नहीं होगा, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे ये दुआ बताई, और इस दुआ ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरिन मिन्हा। अल्लाह अकबर, आप यकीन करें कि मैंने ये दुआ मांगी, और सुबहान अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में इतना असर है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे बेकरार दिल को एकदम सुकून मिल गया। इस तरह बहुत सारी दुआएं, इवन आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई रिस्क की परेशानी है, वो कोई भी, जैसे रिस्क वगैरह के लिए या तंगी और इसी तरह गम की जो दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ल वल जुबन व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैन व कहर रिजाल, आप पे कर्ज है, आप सुस्ती, काहली, परेशानी, तकलीफ़, कोई भी आपका, आपकी माल की तंगी, कोई भी तकलीफ़ है, इस तरह की तमाम चीज़ों के लिए हमें हदीस नबी से बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। इनको अपनी लाइफ में शामिल करें, आपके आपके लिए सब्र करना और सब्र के रास्ते पे चलना बहुत आसान हो जाएगा। और छठा पॉइंट जो है वो ये जहन में रखें कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इलाज बताया है, तलबीना है जो आजकल नॉर्मली पैकिंग में मिल भी जाता है, ये भी बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की तबीयत ख़राब है, कोई तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा, तो तलबीना खाएँ, इससे इंसान के दिल को जो कुव्वत मिलती है और सेहत जो है वो बेहतर होती है। और आखिरी पॉइंट जो मैं चाहूँगा कि आप लोग जहन में रखें कि अगर आपको बिल्कुल ही नहीं सब्र आ रहा, तो ये जहन में रखें कि आपका कोई बहुत प्यारा चला गया है और आपको सब्र ही नहीं आ रहा, आपकी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सब्र ही नहीं आ रहा, तो कायनात में, इस पूरी कायनात में जब से बनी है और जब तक रहेगी, जो सबसे बड़ी क्लामिटी, जो सबसे बड़ी तकलीफ़ और आजमाइश और परेशानी का दिन था, तो वो दिन था जिस दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अगर तुम में से किसी को लगे कि उसकी बहुत बड़ी परेशानी है और परेशानी दूर नहीं ना हो रही और उसको सब्र नहीं आ रहा, तो इस बात को याद कर, मेरे जाने को याद कर लिया करें। तो इस हमें इस चीज़ से अंदाज़ा क्या होगा कि हम हमारी क्या, हम कौन हैं, हमारी परेशानियाँ क्या हैं, क्या उनका लेवल है। इसलिए अब जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, उसको अपने रब पे डालें, उस रब से ताल्लुक़ जोड़ें और सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह सुबहाना व ताला हमारी तमाम मुश्किलों को आसान कर देगा। और इस दुआ से आज का सेशन क्लोज़ करता हूँ कि अल्लाह सुबहाना व ताला हमें साबिरीन में शामिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला साबिरीन को पसंद करता है, और अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाज़त फरमाए, हर तरह के गुनाह, हर तरह की बुराई, हर तरह की तकलीफ़ से हमें महफूज करें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, या अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारे नफ्स पे वो आजमाइशें और वो तकलीफ़ें ना डाल जिनकी हम ताकत नहीं रखते, हमारे लिए आसानी का मामला रख और हमारी मदद फरमा। सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।